हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी की। हमने पहली बार नाम सुना एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस है, और सेकंड लो ने तो ये यूज भी कर लिया, डीएस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि डेरिवेशंस क्या है। डेरिवेशन ऑफ डीएस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, सेकंड लॉ ऑफ टीडी। इसका डेरिवेशंस कैसे करेंगे आप इतना जानते हैं? बाय कार्नोट साइकिल, बाय कार्नोट साइकिल आपने क्या पढ़ा था? कार्नोट साइकिल नीटा की वैल्यू क्या पढ़ी थी? Q1 माइनस Q2 मॉड में अपॉन Q1 मॉड में इज इक्वल टू T1 माइनस T2। यहां मॉड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेम्परेचर तो होता ही कैल्विन में है और पॉजिटिव 100 100 दोनों तरफ कट गया। तो लो यार लिखोगे आप सही है। तो ये हमने कार्नोट साइकिल से पढ़ा था। तो अब 100 को काट देते हैं। अब Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू T1 माइनस T2 अपॉन T1, कोई दिक्कत नहीं है? इज दैट क्लियर? तो मैं Q1 को देखता हूं, आप भी देख लो। Q1 बाय Q1 अगर आप करोगे मोड में माइनस Q2 बाय Q1 T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इसको भी हम मोड को हटा, यहाँ मोड की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी अपन क्या कर देते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो, 1 माइनस T2 बाय T1। ये कट गया 1, ये इससे कट गया 1, कट गया माइनस से माइनस कट गया, बोलो हाँ या ना? बस तो Q2 अपॉन Q1 मोड में T2 अपॉन T1, Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन T1। कोई समझ में आ रहा है? मोड में जाने दो, वैसे ही Q1 के साथ मोड ही लगाना चाहते थे तो लगा देते यहां पर भी। अब आगे आपको ये भी मालूम है Q2 अपने आप में क्या है? नेगेटिव एब्जॉर्ब, सॉरी रिलीज हीट है। तो जब ये खुद अपने आप में नेगेटिव है तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस Q2, क्योंकि Q2 अपने आप में नेगेटिव 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 पॉजिटिव, Q1 अपॉन T1। इसको उधर ले गए तो आपके पास क्या आ रहा है इस जगह? Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जब हमारे पास दो ही बार हीट ट्रांसफर हुई है तो हमने ये बोल दिया, क्या बोल दिया? क्यू बाई टी की वैल्यू का समेशन किसके इक्वल होता है? जीरो। जीरो हो गया। तो क्या हम इससे ये लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है उस समय डी क्यू की वैल्यू किसके होगी? डीएस के लिए होगी, छोटे छोटे पार्ट के लिए। यहां हमने मैथ्स लगा ली, डी क्यू की वैल्यू, सॉरी आप इसको ऐसे नहीं समझो, आप ये बताओ डी क्यू बाई क्या होगा? पूरी साइकिल के लिए, साइकिल के लिए लिखना है, यहां थोड़ी सी गलती हो रही है, साइकिल के लिए क्या हो गया? जीरो। तो इसका मतलब कंप्लीट साइक्लिक इंटीग्रेशंस ऑफ डी क्यू बाई टी की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो। ये जो साइन होता है ये साइक्लिक को शो करता है, डी क्यू बाई टी की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। तो जिस समय ये मेरे को पता चला कि पूरी साइकिल के लिए ये वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब डी क्यू बाई टी एक स्टेट फंक्शन है। इसका साफ मतलब है, इट मीन्स बिकॉज, पहले लिखिए बिकॉज डी क्यू बाई टी की वैल्यू जीरो आ रही है, इट मीन्स इट मीन्स
क्यू बाई टी इज ए स्टेट फंक्शन, और जब कोई स्टेट फंक्शन होता है तो उसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाती है. तो मैंने इसका नाम क्या दिया, डी क्यू बाई टी का नाम दे दिया एस. तो फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी वन प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो हमने क्या नाम दिया, डी क्यू बाई टी की वैल्यू किसके बराबर दे दी हमने, डी एस. एस वन से एस टू लिमिट रहेगी, टी वन से टी टू लिमिट रहेगी. किसी एक प्रोसेस के लिए, या आप बोल सकते हो कि डेल्टा एस की वैल्यू, लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप डी क्यू बाई टी ही बोलोगे. यस, और ये हमारे लिए हो गया एक नया स्टेट फंक्शन. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने प्रूव कर दिया, एंट्रोपी. तो एंट्रोपी क्या, हमारे पास ये आ गया एक कॉन्सेप्ट. ठीक है, हमने ये निकाल लिया, कोई डाउट नहीं है, श्योर, लॉक कर दे. लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये किस तरह से रिलेटेड है सेकंड लॉ से. ये किससे बनाया, कार्नोट. यानी हमारा क्वेश्चन है वाई डी क्यू बाई टी, जो कि अपने आप में डीएस के बराबर है, इस सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ टीडी. तो आप मुझे बताएं डी क्यू बाई टी को आपने डेराइव कैसे किया. कार्नोट, और कार्नोट ही किसको शो करता है, हीट 100% नॉट कन्वर्ट इन वर्क, एंड कार्नोट शो दैट हीट नॉट फुली कन्वर्ट इन वर्क, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. तो कहीं ना कहीं ये उसी से पैदा हुआ है, दोनों एक ही से पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब दोनों भाई भाई हुए ना, तो इसका मतलब दोनों ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, दोनों ही कार्नोट साइकिल से निकले हैं. कॉन्सेप्ट्स ओके. ये हमारे पास पॉइंट हो गया. बाद में मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है कि क्या मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. ये भी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं. अब एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाइए, हीट को ट्रांसफर करिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं, क्या बहुत बात कर सकते हैं, एक और हमारा क्वेश्चन है वाई डेल्टा एस इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कैसे बोलेंगे डेल्टा एस पॉजिटिव है, उसके लिए आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और यहां सराउंडिंग लेनी पड़ेगी. यहां हीट अंदर जा रही है, तो मान लीजिए यहां टेम्परेचर 300 केल्विन है, यहां टेम्परेचर क्या लोगे, यहां ज्यादा ले लो 400 केल्विन, और यहां टेम्परेचर क्या ले लोगे 300 केल्विन. क्यों, क्योंकि हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टू लो. तो ये हीट मान लो 100 कैलोरी है, या थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं, ये 200, ये
400 कैलोरी, बहुत सही है वैल्यू, उस कैलकुलेशन बताने में आसानी रहेगी मुझे, सही है। तो आप मुझे बताइए बहुत प्यार से कि डेल्टा एस सिस्टम क्या रहेगा इस जगह, सिस्टम के लिए डी क्यू बाई टी। डी क्यू की वैल्यू कितनी है 400 और टेम्परेचर कितना है 200, तो कितना वैल्यू आ रही है 2, आ रही है बात समझ में। दूसरी तरफ डेल्टा एस सराउंडिंग क्या रहेगा डी क्यू बाई टी, डी क्यू की वैल्यू कितनी है -400 क्योंकि उसने तो हीट लिबरेट करी है, उसको तो लॉस हुआ है। तो हमारे पास यहां टेम्परेचर कितना था -400/400, तो कितना हुआ -1। इन दोनों का समेशन करो क्या आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव। नेगेटिव आ रही है क्या, नहीं ना, इसका मतलब हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आ रही है स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव भी स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा एस टोटल की बात करें तो अपने आप में क्या वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एंड इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट मीन्स इन ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल विच इज द समेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉजिटिव। या आसान भाषा में फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस इज पॉजिटिव। दूसरी आसान भाषा में फॉर ए प्रोसेस विच हैविंग डेल्टा एस पॉजिटिव इज स्पॉन्टेनियस। सारे एक ही वर्ड्स हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं कर भी दिया है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर डी क्यू बाई टी, सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और सभी हमारे लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है या नहीं है, बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो ये हमारे लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हो रहा है। अब बात आ रही है एंट्रोपी के दो फिजिबल मीनिंग हमारे को समझने, एक डिसऑर्डरनेस और एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो हेडिंग डालेगा एंट्रोपी और ज्यादा अच्छे से, एंट्रोपी इन डिफरेंट प्रोसेस एंड मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को और एक बार हम समझेंगे, एंट्रोपी दो तरह का मीनिंग निकल के आता है, एक मैथमेटिकल और एक जनरल मीनिंग। तो दो तरह की डेफिनेशंस आपके हैं, एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम, ऑफ एनी सिस्टम शो डिसऑर्डरनेस ऑफ और रैंडमनेस और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम या सिस्टम, बस इतना सा बहुत है। तो हम किसी भी जगह जहां डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी हम क्या बोलेंगे, ज्यादा एंट्रोपी है, अव्यवस्था ज्यादा है, ज्यादा एंट्रोपी है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी प्रोसेस अगर हम जनरल वे में बात करें तो एंट्रोपी ये है। दूसरा मीनिंग हमारे लिए क्या है, दूसरा मीनिंग है एंट्रोपी चेंज फॉर एनी प्रोसेस कैन कैलकुलेट बाय डीएस इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी। ये हमारे लिए सेकेंड पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है। ये मैथमेटिकल है, ये नॉर्मल जनरल मीनिंग है। तो अगर आप एंट्रोपी की बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो कोई भी स्पॉन्टेनिटी के लिए बहुत आसानी से बताएगा। जनरली एंट्रोपी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, सही है। कैसे कैसे हम डीएस का साइन बता सकते हैं, यानी कैलकुलेट साइन कैलकुलेशंस या कैलकुलेट साइन ऑफ डेल्टा एस। अगला पॉइंट हमारा यही होगा, कैलकुलेट साइन ऑफ डीएस, डीएस या डेल्टा एस। हमें यह पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि डीएस बढ़ रही है या कम हो रही है।
तो डीएस का साइन बताने के लिए आपको क्या बता सकते हो, दो मेथड हो गए, फर्स्ट बाय डीक्यू साइन, डीक्यू अगर पॉजिटिव है तो डीएस भी आपके क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, और डीक्यू नेगेटिव है तो डीएस भी नेगेटिव होगा। तो आप यहां क्या लिखेंगे, बाय डीक्यू साइन, डीएस एंड डीक्यू बोथ आर इन सेम साइन, ये डेफिनेशन के साथ लिखेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस का साइन है, डीएस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एस इंक्रीजेस डीएस पॉजिटिव। तो क्या आप कुछ प्रोसेस में बता सकते हैं एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो एग्जांपल करेंगे हम, शो द साइन ऑफ डीएस इन फॉलोइंग प्रोसेस, इन फॉलोइंग प्रोसेस, फर्स्ट आपके पास एक कंटेनर है जिसमें N2 गैस है और O2 गैस है, आपने ये दीवार बीच में है और ये दीवार हटा दी, अब आपके पास N2 प्लस O2 का मिक्सचर है, यहां प्योर N2 था या प्योर O2 था, अब ये मिक्सचर हो गया, तो आप बताइए डीएस क्या होगा इस जगह, आंसर आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि यहां व्यवस्था थी अब अव्यवस्था है, यहां बिल्कुल N2 O2 अलग अलग सेपरेट लाइन बना के बैठे हुए थे, अब नहीं बैठे हुए, तो बहुत आसानी से बोल सकते हैं मिक्सिंग ऑफ एनी टू सब्सटेंस, एनी टू और मोर सब्सटेंस, भले वो गैस हो या लिक्विड हो, डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस, सो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। बहुत आसानी से जनरल वे में आपने बता दिया, सेकेंड एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम, जिसमें भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एंट्रोपी उनके लिए क्या होगी, बढ़ेगी, तो हीट एब्जॉर्ब होके भी आप बोल सकते हो, जैसे CaCO3 डेल्टा एच इसके लिए क्या है, पॉजिटिव, CaO प्लस CO2 सॉलिड सॉलिड गैस, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, डेल्टा एस का DQ के साइन, और DQ का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब। तो हम बहुत सारी रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब के कारण भी बता सकते, लॉक कर दें, अगर कभी भी कोई कंपोज कंपाउंड डिकम्पोज होता है तो एंट्रोपी हमेशा उसमें क्या होगी, बढ़ेगी। तो एग्जाम्पल हमारे पास कम नहीं है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रही है, तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी आप बहुत आसानी से बोल सकते हो सॉलिड कन्वर्ट इन लिक्विड थर्ड या फोर्थ, लिक्विड कन्वर्ट इन गैस या वेपर, डेल्टा एस इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब होगी तभी होगा, और उल्टा पूछ लिया जाए गैस कन्वर्ट इन लिक्विड तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इज दैट क्लियर, श्योर, लॉक कर दें, पक्का। अगर मुझसे कोई पूछ लेता है कार्बन ग्रेफाइट कन्वर्ट इन कार्बन डायमंड, तो मुझे कोई ये बता दे भाई हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा,
हाई टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच पॉजिटिव, श्योर? तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो यहां पर भी डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है समझने में? आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें आप आइडिया ले सकते हो हीट के कारण, या फिर मिक्सिंग ऑफ गैसेस, या फिर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। आपने पानी में शक्कर डाल दी, मिक्सिंग ऑफ वाटर यानी लिक्विड एंड सॉलिड, एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको? तो ये सब लिखे हैं। अगला हमने लास्ट क्लास में समझा था एंट्रोपी क्या है, बहुत इजी वे में, कि डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। फिर हमने मैथमेटिकली रिलेशंस भी जनरेट किया था, हाउ कैन वी कैलकुलेट एंट्रोपी। ठीक है, आज हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एंट्रोपी इन डिफरेंट प्रोसेस। तो वही हेडिंग हमारा रहेगा, कैलकुलेशंस ऑफ एंट्रोपी इन डिफरेंट प्रोसेस, कैलकुलेशंस ऑफ एंट्रोपी इन डिफरेंट प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस ये मानते हुए कि हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो आप तो इतना तो जानते हैं एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन, सो इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा, लिखते जाएं, एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शंस सो इट डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस, इट नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ प्रोसेस, इट नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ प्रोसेस। तो ये हमारे पास एंट्रोपी के लिए फर्स्ट जो लाइन निकल के आई है वो है। तो इसका मतलब जैसे हम हीट और वर्क को पाथ फंक्शन बोलते थे, वो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती थी, ये तो करेगी नहीं। तो मान लीजिए यहां पर P और यहां पर V है, और ये पॉइंट है हमारे लिए, इस जगह P1 V1 T1 है, यहां P2 V2 T2 है। अब वो किसी भी पाथ से आए, वो चाहे तो इस पाथ से आए और वो चाहे तो इस पाथ से आए, नेट डेल्टा इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम। वो चाहे तो सिंगल स्टेप में आए या वो चाहे तो मल्टीपल स्टेप में आए, यानी डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस थ्री। तो यहां से वहां आने पे नेट डेल्टा इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम, स्टेट फंक्शन है इसलिए। तो डेल्टा एस वन की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री ड्यू टू स्टेट फंक्शन। आप दो स्टेप में करोगे, अल्टीमेटली जा तो वही रहे हो। तो नेट एंट्रोपी चेंज इज द समेशन ऑफ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। पाथ फंक्शन होता तो क्या ऐसा हो सकता था? नहीं। यहां W1 वर्क होता है, यहां W2 होता है, तो W1 is equal plus W2 is equal to W हो सकता था? नहीं, नहीं होता, इनमें कोई रिलेशन नहीं बन पाता। लेकिन अभी बन पा रहा है, रीजन स्टेट फंक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा कॉन्सेप्ट तो यह है कि हम इन दो पॉइंट के बीच में जो एंट्रोपी चेंज हो रही है वो कैसे कैलकुलेट करें। बहुत आसान है, आपको मैंने शुरू से ही पढ़ाया, डीएस इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन टी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही है। तो डीएस की वैल्यू इंटीग्रेशंस कर रहे हैं आप, उससे पहले डी क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? डीई प्लस प्लस वर्डन या माइनस वर्डन? माइनस वर्डन, बिल्कुल, चलो मैं आपके लिए साथ हूं, अपॉन टी। तो नेक्स्ट पॉइंट डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीई प्लस पीडी भी लिख दूं मैं, क्योंकि वर्डन माइनस पीडी भी होता है, अपॉन टी। तो थोड़ा सा और आप मेरे साथ मेहनत करें और बताएं
कि क्या इसी के अंदर डीएस की वैल्यू आप डीई प्लस पी डी वी अपॉन टी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, डीएस की वैल्यू, डीई की वैल्यू होती है एन सी वी डी टी अपॉन टी, प्लस पी की वैल्यू होती है एन आर टी बाय वी, एन आर टी से टी कट गया, बस वी रह गया, लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट डीएस की वैल्यू, इंटीग्रेशन चालू कर दिया, एन सी वी कॉन्स्टेंट है, डी टी बाय टी प्लस एन आर डी वी बाय वी, लिख सकते हैं। क्या लिमिट लगा सकते हैं आप, वी वन वी टू टी वन टी टू एस वन एस टू, लिमिट लगा दिया। डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएस का इंटीग्रेशन यहाँ क्या होगा, एस एस का एस टू माइनस एस वन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस। एन सी वी वन बाई टी का होता है एल एन टी, तो क्या हो जाएगा एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन, प्लस आप आगे क्या करेंगे इस जगह, प्लस एन आर एल एन वी टू बाय वी वन, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये किस प्रोसेस के लिए है, ये सभी प्रोसेस के लिए है। बस गैस आइडियल होनी चाहिए कंटेनर में, आइडियल गैस। और ये डेल्टा एस किसकी बताएगा, सिस्टम या सराउंडिंग, सिस्टम, क्योंकि आपने हर चीज सिस्टम के लिए बात करी है। तो ये सिस्टम की एंट्रोपी चेंज बता रहा है आपको, किन्हीं दो पॉइंट के लिए। उन दो पॉइंट में आप किसी भी पाथ से जाएं, किसी भी कैसे भी जाएं, आपका एंट्रोपी वैल्यू ये आएगी आएगी आएगी। कोई डाउट? अब कंडीशन फर्स्ट, यानी केस फर्स्ट, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टी टू इक्वल टू टी वन होगा। क्या ये कर्व आइसोथर्मल के लिए लगेगा? हाँ, सबके लिए लगेगा ये। तो टी टू इक्वल टू टी वन होती, डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू क्या हो गई, एन आर एल एन वी टू बाय वी वन, या फिर एन आर एल एन पी वन बाय पी टू, क्योंकि जब भी आइसोथर्मल होता है वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली होता है। केस टू, आइसोबारिक, पहले मैं आइसोकोरिक ले लेता हूं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या लगता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टू इक्वल टू वी वन, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, एन नहीं हाँ एन सी वी वी टू बाय वी वन वन हो जाएगा, और वी टू बाय वी वन वन होती जीरो। तो हम क्या करें, एल एन टी टू बाय टी वन, या फिर एन सी वी एल एन, आप वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है, पी टू बाय पी वन लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एंड टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। केस थर्ड, आइसो कॉरिक हो गया, आइसो बारिक, आइसोबारिक के लिए क्या हो जाएगा, पी टू इज इक्वल टू पी वन। अब पी टू इक्वल टू पी वन है, आइसोबारिक है, तो अब आपके पास क्या होगा यहां पर, डेल्टा एस सिस्टम एन सी वी लॉग लॉग नहीं एल एन टी टू बाय टी वन। बेटा ये तो फॉर्मूला है, प्रोसेस कोई भी हो सी वी तो डिफाइन होती है, डेल्टा ई की वैल्यू कोई सा भी प्रोसेस हो एन सी वी डेल्टा टी ही होता है। तो सी वी लिखा हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि प्रोसेस आइसोकोरिक होगा, वो तो एक कांस्टेंट बन के यूज हो रहा है यहाँ पर, आ रही है बात समझ में, वो एक कांस्टेंट की तरह यूज होगा पूरे प्रोसेस में। तो आप इसको ये मत सोच लीजिएगा सी वी यूज कर रहे हैं तो आपके ये होगा। हाँ ये जरूर होता है कि एन सी वी डेल्टा टी, अगर मैं क्यू लिख रहा हूं तो एन सी वी डेल्टा टी होगा, क्यों, क्योंकि जो हीट सप्लाई हो रही है
वो एन सी वी डेल्टा टी है, लेकिन दूसरे फॉर्मूले में सी वी एक कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जैसे वर डन के रूप में या कुछ भी। तो बात समझिए कि क्यू की वैल्यू क्यू वी होगी और क्यू वी की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी होगी, तब सी वी यूज करेंगे, बाकी तो एज ए कॉन्स्टेंट की तरह चलता है। इसको हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके लेकिन फिर आपने पूछ लिया, अच्छा लगा। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, मैंने फर्स्ट लॉ जब पढ़ाया था तो मैंने आपको यूज किया था डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर क्यू क्यू वी है तो क्यू की जगह एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्यू क्यू वी नहीं है तो एन सी वी डेल्टा टी नहीं लिखूंगा क्यू के लिए। लेकिन डेल्टा ई के लिए तो कोई भी प्रोसेस हो गया, डेल्टा ई की वैल्यू तो एन सी वी डेल्टा टी ही होगी, पक्का ये समझ लीजिए। तो एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, और यहां हमारे हो जाएगा एन आर एल एन टी टू बाई टी वन। क्यों क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि वी टू बाई वी वन की जगह टी टू बाई टी वन लिख सकता हूं जब प्रेशर कांस्टेंट हो। अब मेरे लिए ये टर्म कॉमन हो गई, बस सी वी और आर नहीं हुआ, तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, एन सी वी, सी वी की जगह सी वी प्लस आर हो जाएगा सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, या फिर एन सी पी एल एन वी टू बाय वी वन, बात एक ही है क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। अब देखो वी टू वी वन चल रहा है और हम पी के साथ लिख रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आपको ये चीजें क्लियर है, लिखे इसको, कुछ पूछना है, मजा आ गया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो आप अब किस प्रोसेस के लिए नहीं निकाल सकते, आप सभी प्रोसेस के लिए निकाल सकते हो, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, तो डेल्टा एस सिस्टम का क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपके सामने है बहुत अच्छे से, आपको कुछ भी पूछना है डिस्कस करना है करिए। आ गया समझ में, पक्का, ठीक है। हमने इन सब में कौन सी एंट्रोपी निकाली है, सिस्टम की या सराउंडिंग की, सिर्फ सिस्टम की, क्योंकि ये पॉइंट किसके थे, सिस्टम के। एंट्रोपी किसकी आएगी, सिस्टम की। सराउंडिंग की निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे उस पर हम बहस करेंगे अलग से, आपसे सिर्फ सिस्टम की ही पूछी जाती है मेन एग्जाम में जनरली, तो ठीक है। तो आपको कुछ और की पॉइंट लिखने लिख सकते हैं, जैसे यहां आपके लिए की पॉइंट बनते हैं, लिखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल अबाउट फॉर्मूला, ऑल अबाउट फॉर्मूला आर एप्लीकेबल only for system system delta s not applicable for surrounding, तो सराउंडिंग के लिए नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगेगा, क्योंकि सराउंडिंग हमारे लिए जनरली क्या होता है, वो दूसरा पॉइंट बनके आपके साथ आएगा, जनरली सराउंडिंग टेम्परेचर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आपको नहीं लग रहा कि आप एक दो सूती बम फोड़ देते हैं तो सिंक का टेम्परेचर यानी एटमोसफियर का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो उसका तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट है। सिस्टम में कोई भी प्रोसेस हो सकता है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, कुछ भी हो सकता है, एडियाबैटिक, लेकिन सराउंडिंग में हमेशा कौन सा प्रोसेस दिखेगा आपको, आइसोथर्मल। जनरली सराउंडिंग टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसके लिए तो डेल्टा एस सराउंडिंग बहुत इजीली हो गया, क्यों, क्योंकि डी क्यू बाई टी और टी अगर कांस्टेंट है तो आप सिंपल है, जो भी हीट आपके पास आई है, नेट हीट अपॉन T1,
इजीली है, नेट हीट का मतलब समेशन ऑफ हीट, लिबरेट हुई, एब्जॉर्ब हुई, आप कुछ भी कर सकते हो, और ये कांस्टेंट है, इसके साथ चेंजेस नहीं हुआ, यानी जो इंटीग्रेशन होता है आप मानते हैं ना ये इंटीग्रेशन होता है, तो ये टी कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया, तो नेट आ गया, टी तो कांस्टेंट है, नेट इसलिए लिया क्योंकि एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों होगी, तो हमें साइन के साथ लेना पड़ेगा। हीट चेंज में डिफाइन नहीं करते अपन, क्योंकि हम एक प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस भी हो सकते हैं हमारे। यहां हीट एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी, कुछ भी नहीं है, यहां क्या होगी, यहां क्या होगी, यहां क्या होगी, तो हम इस जगह, ये सिस्टम हो गया, इस प्रोसेस में आप सुनो, यहां जो क्यू होगा उसका सराउंडिंग माइनस में होगा, यहां जो क्यू टू होगा उसका वो माइनस होगा, यहां जो क्यू थ्री होगा वो इसका सराउंडिंग माइनस में होगा, यहां जो क्यू फोर होगा वो इसका सराउंडिंग होगा, पक्का? तो जो नेट क्यू इसका होगा वही नेट क्यू सराउंडिंग का होगा, बस साइन अपोजिट होगा। यहां टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है, वहां टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, बस अंतर है। तो यहां हमारे लिए एक तरह से क्यू सिस्टम, नेट सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, लिख दो बिना दिमाग लगाए, बस माइनस लगा दो, जितनी हीट सिस्टम के लिए आई है पीवी कर्व में, समझ में आ रहा है, वो हीट नेट निकाल के सराउंडिंग का टेम्परेचर डिवाइड कर दो, उससे मतलब ही नहीं है। नेट का मतलब आ रहा है, हीट हमेशा ट्रांसफर को ही बोलते हैं, क्यू का मतलब ट्रांसफर होता है, डेल्टा क्यू नाम का कोई वर्ड नहीं होता, समझ में आता है, डेल्टा एच होता है, डेल्टा ई होता है, डेल्टा क्यू आप कभी नहीं पढ़ते हो, क्यू तो यही होता है नेट कितना रेडिएशन गया या कन्वेक्शन या जो भी कंडेंसेशन उसमें आया, वो होती है हीट। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? तो ये हमारे लिए आ रहा है नेट कितना ट्रांसफर हुआ है, और बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैंने आपको एक बहुत प्यारी लाइन दी है, सराउंडिंग ऑलवेज ए कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जो आपके लिए बहुत काम आएगी। साउंड क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स? तो हमने ये चीज अच्छे से कर लिया है, बहुत अच्छे से। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन फॉर्मूले में? नहीं। सिस्टम का ऐसे निकालेंगे, सराउंडिंग का इस तरह से निकालेंगे। तो क्या मैं कुछ इंडिविजुअली प्रेशर या इंडिविजुअली टॉपिक लेके आपको समझाऊं कि उसके लिए सिस्टम की क्या होगी, सराउंडिंग की क्या होगी और टोटल क्या होगी? हाँ, बताना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके साथ हूं और आप ही को अलग अलग प्रोसेस के लिए समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशंस ऑफ एंट्रोपी। हम दोनों के लिए करेंगे, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, और उसमें भी हम लेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छे से किया। तो हेडिंग क्या होगी? डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग, या डेल्टा एस टोटली लिख दिया जाए, डेल्टा एस टोटल फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। आपको अच्छे से मालूम है ये मेरे पास पीवी कर्व है, ये प्रोसेस है पी, यहां पर पी वन वी वन, पी टू वी टू, जो चीज कॉमन है वो है क्या है? टेम्परेचर। ये किसके लिए निकाल रहा हूं मैं? एक्सपांशन के लिए, सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए सारे फॉर्मूले लगेंगे जो हमने पढ़े थे, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए। तो आप मुझे बताएं डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा,
फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था आपने, जब आइसोथर्मल है आपको याद है, हमारे लिए था एन आर एल एन वी टू बाय वी वन या फिर एन आर एल एन पी वन बाय पी टू, इसमें कोई शक नहीं है, प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। लेकिन बात आती है डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने के लिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रोसेस आइसोथर्मल है सिस्टम का, लेकिन सराउंडिंग का भी आइसोथर्मल है, तो डी क्यू आई टी, और डी क्यू के लिए आप क्या लिखोगे, क्यू सिस्टम टी सराउंडिंग। जरूरी नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग के सेम हो, लेकिन जब आइसोथर्मल होता है तो सिस्टम और सराउंडिंग भी सेम होता है, ये मेरे को आपको लिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां हमारे पास डी क्यू और ये इस जगह, बिल्कुल यहां हमारे पास सिस्टम है और सिस्टम माइनस क्यू की वैल्यू कितनी होती है, माइनस क्यू की वैल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू होती है ना, श्योर, माइनस क्यू की वैल्यू क्या होती है डब्ल्यू, और डब्ल्यू हो गई तो आप लिख सकते हो W सिस्टम, W आ गया तो आप मुझे बताओ क्या होता है W सिस्टम के लिए, माइनस टू पॉइंट एल एन में लिख दो एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन अपॉन टी, यहां सिस्टम आएगा यहां सराउंडिंग आएगा, और मैंने आपको बताया आइसोथर्मल में सिस्टम और सराउंडिंग सेम होते हैं, तो अब आपके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो क्या आपको ये लग रहा है ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस आ जाएगी, और जब आपके पास माइनस आ जाएगी ये प्लस ये माइनस, तो डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, जल्दी बोलो डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, और वो क्या हो जाएगा जीरो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जीरो होता है, कौन सा टोटल, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्या बेटा निकाल देते हैं, मैं तो हर एक के लिए निकाल सकता हूं, इरिवर्सिबल के लिए निकालना है, वेरी गुड, मजा आ गया, ये हमारा बहुत अच्छा टॉपिक हुआ है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है हमारे लिए, डेल्टा एस सिस्टम एन आर एल एन वी टू बाय वी वन डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस एन आर एल एन वी टू बाय वी वन और डेल्टा एस टोटल जीरो। तो आपको एक चीज मैं बताऊं, जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, भले वो एडियाबेटिक हो या आइसोथर्मल हो, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के अपोजिट साइड के होंगे, जिससे वो जीरो आए। अभी देखते हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताओ यहां जीरो हुआ, आपने मुझसे अभी हाल क्वेश्चंस पे डिस्कशंस किया है, इरिवर्सिबल के लिए कितना प्यारा पढ़ा है, इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस टोटल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, पॉजिटिव, क्योंकि जब पॉजिटिव होगा तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा और इरिवर्सिबल प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो करें हम बात, क्या पढ़ रहे हैं हम, डेल्टा एस टोटल फॉर इरिवर्सिबल आइसो थर्मल एक्सपांशन प्रोसेस।
क्या बात है। तो पी वी एक्सपांशन कर रहे हो, आइसोथर्मल। क्या ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल दिख रहा है क्या? पहले तो ये देखो, नहीं ये तो रिवर्सिबल का बना दिया मैंने आपके लिए। तो किस तरह का बनेगा ये? इस तरह से, ये हाइपोथेटिकल कर्व बनेगा। हाँ रियल नहीं होता ये, लेकिन जाएगा ऐसा ही, इमेजिनरी कर्व। अब क्या करें अपन? दो 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 प्रोसेस में निकालें, एक यहां से यहां या डायरेक्ट ही यहां से यहां निकाल लें। डायरेक्ट निकाल लो, क्यों? क्योंकि डेल्टा एस अपने आप में स्टेट फंक्शन है, एस ऐसे स्टेट फंक्शन है, बचपन से पढ़ा है। तो इन दोनों पॉइंट के लिए आपके लिए डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको मैं ये चीज बता दिया इनडायरेक्टली? क्योंकि आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, टेम्परेचर तो सेम होंगे ही होंगे और फॉर्मूला भी सेम जाएगा हीट का। क्यों नहीं समझ में आ रहा? चलो आप ये बताओ, यहां पर पी वन वी वन है, यहां पी टू वी टू है। अरे मत आने दो, अभी तो पहले ये समझो, ये पी वन वी वन है, क्या टेम्परेचर सेम होगा नहीं होगा यहां पर टी और टी? समझ में आ रही है बात? क्या ये दोनों पॉइंट में आइसोथर्मल में ला सकता था वहां से भी? हाँ, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम है तो वो कहीं ना कहीं इसी कर्व के पॉइंट होंगे। अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो फाइनल पॉइंट भी इसी कर्व पे होगा, होगा, क्योंकि टेम्परेचर, अगर यहां पर टेम्परेचर 300 केल्विन है तो 300 केल्विन वाला यही कर्व है, इसके अलावा कोई और कर्व नहीं है। तो यहां पर भी अगर 300 केल्विन है तो वो ये दूसरा जो पॉइंट होगा उसी कर्व पे कहीं ना कहीं होगा। ये नहीं कि यहां आ जाएगा वो, नहीं, यहां तो टेम्परेचर कभी 300 हो ही नहीं सकता, ना इसके नीचे ना इसके ऊपर। एक कर्व में 300 वाले इसी तरह से होंगे, ऐसा आपको आना चाहिए, मतलब मैंने बताया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फॉर्मूला हमारा नहीं लग सकता? ये भले ही इरिवर्सिबल प्रोसेस है लेकिन दो पॉइंट के बीच में क्या हमारा डेल्टा एस फॉर्मूला नहीं लगेगा? भले ही प्रोसेस इरिवर्सिबल है लेकिन शांति रखो, एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन, सही है? एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है तो वो इनिशियल और फाइनल प्रोसेस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, भले प्रोसेस कोई सा भी हो। जैसे कोई भी प्रोसेस हो रहा है, पक्का प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए वर्क हीट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन स्टेट फंक्शन तो सेम ही रहेंगे। और एंट्रोपी के लिए मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जरूरत है, बीच वाले पाथ की जरूरत नहीं है। तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं भले ही प्रोसेस कोई सा भी हो। समझ में आ रही है बात? तो मुझे डेराइव करने की जरूरत ही नहीं, जब मैंने कह दिया स्टेट फंक्शन है तो है, और स्टेट फंक्शन के लिए मैं कोई वर्क थोड़ी ना निकाल रहा हूं। मैं वर्क निकाल रहा होता तो मेरी बात होती है आपसे। चलिए ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा इस जगह? सोच के बताओ जल्दी से। तो मैं वही वाला लगाऊंगा जो पहले लगाया था, एन आर एल एन वी टू बाय वी वन, या फिर एन आर एल एन पी टू बाय पी वन, पी वन बाय पी टू। आपने अच्छे से कर लिया ये। अब बात आती है डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग, और डेल्टा एस सराउंडिंग हमने पहले ही कह दिया, क्यू क्यू सराउंडिंग अपॉन अपॉन टी, और क्यू सराउंडिंग माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी। समझ में आ रहा है? इन दोनों का रेशियो, डी क्यू बाई टी का रेशियो एक स्टेट फंक्शन है लेकिन टी तो कांस्टेंट है, क्यों अपने आप में स्टेट फंक्शन नहीं है? क्यों अपने आप में क्या है यहां पर? सराउंड वो पाथ फंक्शन। बात समझो? तो आपके लिए क्या हो गया? आप यहां जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये अभी आपके लिए डीएस ही चल रहा था, तो आपके लिए क्या हो रहा है यहां पर? प्रोसेस का जो पाथ आया वो अपने आप में क्या हो गया? अलग ही तरह रखा है। तो अब आपका पाथ चेंज हो चुका है, तो आप
सिस्टम का माइनस नहीं कर सकते, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो यहां आपके पास ये सराउंडिंग टेम्परेचर, तो सराउंडिंग ही लोगे आप, इज दैट क्लियर। और अब आपको यहां पर हीट दो तरह से आई है आपकी, क्यू वन और ये क्यू टू। क्यू वन क्यू टू लेना पड़ेगा, ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे क्या चाह रहे। या आप एक काम कर सकते हो, बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आइसोथर्मल है ना, तो आप इस तरह से जाएं, ए और बी के लिए टोटल, ए बी के लिए यहां से यहां गए पॉइंट पे, रुक जाओ, डायरेक्ट ए बी प्रोसेस के लिए नहीं, ए ओ बी के लिए, ए ओ बी के लिए। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि, क्या बोल सकते हैं, डेल्टा ई जीरो है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, नहीं तो नहीं बोल पाते, टेम्परेचर कांस्टेंट है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, टोटल हमें निकालना है, लेकिन पहले सिस्टम के लिए और फिर सराउंडिंग के लिए। तो शुरू करें, ये ए और बी, पीवी कर्व, क्या बोलते हो, सही है, मुझे जहां तक मालूम है इस जगह क्यू सिस्टम जीरो होगा, क्योंकि पूरे पॉइंट में एक ही चीज है कि कभी भी क्यू नहीं आ रहा है, हीट हो ही नहीं रही है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब आपके लिए डी क्यू भी जीरो है, वो डी क्यू ही आता है, तो डी क्यू जीरो, डी क्यू बाई टी भी जीरो हो गया पूरा सिस्टम। और जब डी क्यू बाई जीरो हो चुका है तो डीएस डेल्टा एस सिस्टम जीरो, अरे यार डीएस डी क्यू बाई टी, और ये जीरो है तो ये भी जीरो, तो डेल्टा एस सिस्टम कितना हो गया, इससे क्या पता चला, जीरो। अब बात आती है सराउंडिंग की, डीएस सिस्टम था, ये सराउंडिंग, और वो हमारे लिए, वहां मैं डी क्यू बाई टी नहीं लिखता क्योंकि टी कांस्टेंट होता है सराउंडिंग, भले ही प्रोसेस इसके लिए आइसो सॉरी एडियाबेटिक हो, लेकिन लेकिन क्या सराउंडिंग के लिए हमेशा क्या होता है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल होता है ना, बस तो आइसोथर्मल हो गया, तो डी सिस्टम लिख सकता हूं मैं, और ये जीरो है तो ये भी जीरो, तो आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा एस सिस्टम जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो, डेल्टा एस टोटल जीरो प्लस जीरो बड़ा जीरो। चलो अब ये तो रहा रिवर्सिबल, डेल्टा एस टोटल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। चलो नहीं कैलकुलेट करा, बस इतना सा बता दो कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, और आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, पीवी। कैसे देखते हैं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट मान लो ए ही लिया हमने, लेकिन फाइनल पॉइंट चेंज होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये मान लीजिए अगर ये ऐसा होता तो ये बी होता तो ये क्या होता है, बी डैश, चेंज हो गया। अब पाथ चेंज हो चुका है, पाथ चेंज हो चुका है, पॉइंट चेंज हो चुका है, तो डेल्टा एस निकालेंगे हम, लेकिन डी क्यू अलग अलग समय पे अलग अलग गई है। एक मिनट ध्यान से सुनना, मैं बोलूं सर, बात ये कि मैं इसको ऐसे समझाता हूं, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, तुमने भी मेरे को नहीं दिए, नेट जीरो हो गया। एक
मैंने तुम्हें दिए पैसे आज 1 लाख रुपए, ठीक है? 10 साल बाद तुम्हारे दिमाग में आया, यार तुम दिए थे, आपने वापस 1 लाख रुपए दे दिए और कह दिया हिसाब बराबर। क्या हिसाब बराबर हुआ? क्या क्यों नहीं हुआ? 1 लाख की इमेज चेंज हो चुकी है। तो यहां मनी वाइज सेम हो गया लेकिन वैल्यू वाइज सेम नहीं है। वैसे ही यहां पर है, इसने हीट दिया Q1, यहां टेम्परेचर अलग था, यहां Q लिया, यहां टेम्परेचर अलग था। नेट Q भले ही 0 है लेकिन Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 इज नॉट 0। कुछ चमका? यही मैं आपको बोल रहा हूं, अपन को नेट DQ नहीं है, इंटीग्रेशन DQ बाई T है। टेम्परेचर भी से हर जगह अपन Q1 बाई T1, Q2 बाई T2। हमारे लिए जो डेल्टा एस होता है सिस्टम का, वो ये होता है S1 अपॉन T1 प्लस S2 अपॉन T2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसलिए मैंने डी ये सॉरी Q1 आता है यहां पर, Q1 Q2। तो हो सकता है 10 और ये -10 हो लेकिन फिर भी नेट इन दोनों का समेशन 0 नहीं होगा क्योंकि T1 T2 बराबर नहीं है भाई मेरे। आ रही है बात समझ में? उसमें तो हीट ट्रांसफर ही नहीं हुई, यहां हीट ट्रांसफर हुई है, पहले ली गई है और बाद में दी गई हो रही है, नेट 0 है। हाँ या ना? तो अब बताओ इन दो पॉइंट के बीच में अगर आपको लगाना हो डेल्टा एस सिस्टम निकालना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आपके पास तो है ही स्टेट फंक्शन है 2.3, वही एन आर लॉग एल एन एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1। बोलो बोलो, मैं भी बोल रहा हूं बिल्कुल, आपने कहा स्टेट फंक्शन है तो यहां से यहां तक के लिए 0 होती, लेकिन यहां से यहां अगर आप इस पाथ से आ रहे हो तो एडियाबेटिक बनेगा ही नहीं। एडियाबेटिक बनाने के लिए आपको वहां तक जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको डेल्टा एस बोल रहे हो, समझना इसको मान लीजिए ओ, डेल्टा एस ए बी की वैल्यू जो होगी, ए बी की वैल्यू डेल्टा एस ए ओ प्लस डेल्टा एस ओ बी, मैं मान रहा हूं भाई। लेकिन अगर आप डेल्टा, हाँ ये दोनों मिलके 0 हो जाएगी मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर आप डेल्टा एस ए बी डैश मान रहे हैं, हमारा प्रोसेस हम यहां तक जाएगा एडियाबेटिक, तो ये पता है क्या? डेल्टा एस ए ओ प्लस डेल्टा एस ओ बी प्लस डेल्टा एस बी बी डैश, ये दोनों मिलके 0 है, तो इसका मतलब डेल्टा एस बी बी डैश के बराबर हो जाएगा। ये वाली एंट्रोपी हमारे लिए या तो यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, बराबर ही आएगा। अब अच्छे से क्लियर हुआ? और बोलो, पूछो पूछो। डेल्टा एस बी बी डैश, या तो मुझे यहां का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम मालूम हो और यहां का भी मालूम हो, हम तो लगा सकते हैं क्योंकि एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन। कब करा था मैंने? कभी नहीं करा मैंने, मैंने टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं माना है। इसके लिए जब मैंने डेराइव करा था ये फॉर्मूला तब मैंने, देख लो मैंने, आपको याद करो, मैंने सिर्फ पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया था। अच्छा ये डेरिवेशंस करते वक्त की आप बात कर रहे हैं मेरे से। अब आपको मैं बताऊं ये डेरिवेशन मैंने कैसे करा था। डेल्टा ई प्लस मेरे को क्यू की वैल्यू रखनी थी, डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू लेकिन पी डी वी अपॉन टी, डी टी नहीं था टी था, और ये हो जाएगा एन सी वी डी टी, ये पूरा इंटीग्रेशन में ही चलता है, प्लस पी डी वी, पी की जगह मैंने लिखा था पी की जगह एन आर टी डी वी, एन आर टी बाय वी, और ये टी, ये टी से टी काट दिया मैंने, मैंने डी से थोड़ी ना लिया क्योंकि पी की वैल्यू पी वी इक्वल टू एन आर टी तो होता ही है।
अपॉन टी तो इसलिए है क्योंकि यहां पर आपके पास जो डी एस है वो डी क्यू बाई टी है, हमने तो डी क्यू और टी की वैल्यू नीचे के अंदर ही अंदर लिखी है। अब बोलो तो ये तो हमारे लिए स्टेट फंक्शन है, और इस पे और पूछना चाहो पूछो, लगता है आपको आ गया समझ में। तो ये हमारे पास एक बहुत सही कंसेप्ट है जो आप पूछ रहे हो। तो हमने किसके लिए निकाला है, सिस्टम के लिए निकाल लिया है, यही लगेगा। आप चाहो तो ये जो टी टू बाई टी वन है, वी टू बाई, इन दोनों की जगह इन दोनों पॉइंट को भी ले सकते हो, लेकिन अभी भी एक और चीज है और वो है सराउंडिंग। तो वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, डेल्टा एस सिस्टम आपके पास बन चुका है, फॉर्मूला सामने कौन सा, ये एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, डेल्टा एस सराउंडिंग। क्या लगता है डेल्टा एस सराउंडिंग, ये भले ही कैसा भी हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, एडियाबेटिक हो, आइसोथर्मल हो, सराउंडिंग प्रोसेस तो पैदा ही आइसोथर्मल होता है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी जो कि कांस्टेंट है सराउंडिंग का, तो खत्म बात। तो ये वैल्यू जीरो है, क्यू नेट लेना है आपको, तो अलग अलग टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे आए, सिस्टम का टेम्परेचर थोड़ी ना लिखना है हमें, हमें तो यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर लिखना है जो कि कांस्टेंट है अपने आप में, आइसोथर्मल है, ये हमेशा आइसोथर्मल होगा। अब ये मत कह देना कि सर वो एडियाबेटिक है तो ये भी एडियाबेटिक होना चाहिए, नहीं उसका कुछ भी नहीं है, हम प्रोसेस के नाम से, सिस्टम के प्रोसेस के नाम से प्रोसेस का नाम रखते हैं, सराउंडिंग तो पैदा ही आइसोथर्मल है। तो बताइए अब आपके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट जीरो। तो कुल मिला के डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम ही होगा क्योंकि सराउंडिंग तो जीरो है, और ये वैल्यू क्या आएगी आपके लिए, पॉजिटिव, हाँ या ना, लिखें इसको, बहुत अच्छा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम फॉर केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है, कोई भी रिएक्शन लिख लिया आपने, केमिकल रिएक्शन लिख लिया, एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन, आपके पास N2A प्लस थ्राइस H2A फॉर्म्स ट्वाइस NH3 बना है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, और आपने अमोनिया बना लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है, आप डी एस इक्वल टू क्या लगा सकते हो, डी क्यू बाई टी, बिल्कुल लगा सकते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर को बाहर ले लो, और डी क्यू की जगह आप क्या लिख दोगे, डेल्टा, वो डिपेंड करेगा, प्रेशर भी कांस्टेंट है इसमें, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें कांस्टेंट हो सकती है, सिर्फ पी वी इक्वल टू एन आर टी के अंदर दिक्कत आती है, अगर आप P कांस्टेंट कर दोगे, V कांस्टेंट करोगे, N कांस्टेंट कर दोगे तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, सही है, यहाँ N चेंज हो रहे इसलिए वॉल्यूम चेंज हो सकता है, हीट भी चेंज हो सकती है, हो सकता है सब चीज़ें कांस्टेंट हो, लेकिन फिर भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है, और वो हीट इनके बॉन्ड डिसोसिएशन में काम आएगी क्योंकि आइडियल गैस तो है ही नहीं। डी क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है तो डी क्यू की जगह हम लिखेंगे डेल्टा एच बाई टी, क्यू के साथ तो साइन नहीं था लेकिन रखना हमें यहां पर क्यू को साइन के साथ ही रखना पड़ता है, याद है, और डेल्टा एच में तो वैसे ही साइन होता है, तो डेल्टा एच अपॉन टी लिखेंगे हम, बहुत अच्छा है, डेल्टा एच अपॉन टी लिखो आप। कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम ले लेते हैं,
तो ये डेल्टा एच और इस रिएक्शन का डेल्टा एच सेम होना चाहिए, तो यहां रिएक्शन होना चाहिए पक्का। तो ये जो डीएस होगा ये भी रिएक्शन का ही होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में आप क्या लोगे, बहुत सारी ले सकते हो, जैसे वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर ए पॉइंट, फ्यूजन। क्या लेने की कोशिश कर रहा हूं, फ्यूजन। फ्यूजन ले लिया मैंने, तो फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होना। मैंने H2O आइस, H2O किसमें चेंज कर दिया, वाटर यानी लिक्विड। मुझे पूछा जा रहा है यहां डेल्टा एस क्या होगा, तो मैंने कह दिया रिएक्शन के लिए। रिएक्शन का मतलब एक मोल है, तो एक मोल के लिए यहां पर, तो डेल्टा एच बाय टी। टी कौन सा लिया जाएगा जिस पे हो रहा है ये, मेरे ख्याल से 273.15 राउंड फिगर में भी लिख सकते हो, क्योंकि एक मोल है तो डेल्टा एच भी एक मोल का होगा और ये भी एक मोल के लिए निकलेगा। तो आप मुझे बताएं इसकी यूनिट तो होगी किलो कैलोरी या किलो जूल, इसकी यूनिट क्या होगी, किलो कैलोरी किलो जूल पर कैलोरी। तो यहां दो चीजें होती है, एक होता है मोलर एंथैल्पी चेंज, क्या होती है इसकी यूनिट, किलो जूल पर मोल। मोलर लगते ही किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी की क्या यूनिट होती है, किलो जूल, लेकिन मोलर एंथैल्पी की क्या होती है, पर मोल। क्या बात है, मोलर एंट्रोपी चेंज क्या यूनिट होगी, किलो जूल पर मोल पर केल्विन, अंतर है। एंट्रोपी चेंज की क्या यूनिट होगी, एंट्रोपी की किलो जूल पर केल्विन, क्या ऐसा हो सकता है ये किलो जूल में और ये जूल में हो सकता है, एनर्जी की होनी चाहिए। तो ये आपके लिए फ्यूजन हुआ। यहां सबसे जरूरी बात ये है कि ये एक मोल के लिए होगा तो ये एक मोल के लिए आएगा, ये दो मोल के लिए, ये दो मोल के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जहां जिसके लिए ये हो रहा है उसी के ऊपर ये डिफाइन होगा। फिर किसके लिए पूछा जा रहा है उसके लिए आप यूनिटरी मेथड निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यूनिटरी आपको लगानी पड़ेगी, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस और करा दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन फ्यूजन के लिए लिख लिया तो बाकी आप कर सकते हैं। लिक्विफिकेशंस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एच, लिक्विफिकेशन तो हो ही गया, सॉरी वेपोराइजेशंस, लिक्विफिकेशन और फ्यूजन तो सेम ही हो गया हमारे लिए, डेल्टा एच वेपोराइजेशंस, और यहां पर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, यहां पर कौन सा था, मेल्टिंग पॉइंट। और थर्ड अगर हम सब्लिमेशन करेंगे, जैसे कोई भी दूसरी चीज के लिए हमने करा, क्योंकि वाटर तो सब्लिमेट डायरेक्ट होगा नहीं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो डेल्टा एच रूम प्रेशर पे नहीं होगा, है ना, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी सब्लिमेशन पॉइंट या टेम्परेचर। तो कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक हर चीज समझा रहा हूं, हाँ या ना, पकड़ लिया, लॉक कर लिया, ऊपर से समझ में आ रही है बात। करें आप, चलिए ठीक है, तो हम वापिस हमारे पॉइंट्स पे आते हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, और हम अब सेकंड लॉ के साथ एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहे हैं, और वो है उसका सबसे बड़ा कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी, कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी। कैसे बोलेंगे, डेल्टा एस टोटल हम निकालेंगे, डेल्टा एस टोटल निकालने के बाद तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास आती है, तीन में से फर्स्ट कौन सी होगी, डेल्टा एस
टोटल पॉजिटिव हो जाए, तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दूसरा, डेल्टा एस टोटल जीरो हो जाए तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम में तो होगा तो सही, लेकिन इनफाइनाइट टाइम में, यानी आइडियल प्रोसेस है। इनफाइनाइट टाइम तुमने देखा नहीं देखा, तो इनडायरेक्टली ऐसे प्रोसेस भी कभी नहीं होते, बस हम नॉन स्पॉन्टेनियस लिखने से बचते हैं बस इसके लिए, लेकिन होते ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस के भाई है। अब एक होता है और वो होगा हमारे लिए डेल्टा एस नेगेटिव। ऐसे प्रोसेस, टोटल की बात कर रहा हूं, ऐसे प्रोसेस कभी नहीं होंगे, इनफाइनाइट पे भी नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, नेवर प्रोसीड और कंप्लीट। जब स्टार्ट ही नहीं होंगे तो कंप्लीट होंगे क्या? ये कंप्लीट होंगे बट एट इनफाइनाइट टाइम। अब इनफाइनाइट टाइम किसी ने नहीं देखा तो इसका मतलब ये भी कभी नहीं होंगे। तो ये हमारे पास बहुत छोटा सा पॉइंट हुआ स्पॉन्टेनिटी के लिए, डेल्टा एस के आधार लिखे इसको। तो ये छोटा सा पॉइंट जो हमारे पास निकल के आया डेल्टा एस टोटल का, तो मुझे ही किसी ने कहा कि क्या आप कुछ फिजिकल प्रोसेस समझा सकते हो। मैंने कहा हाँ पूछो। क्वेश्चन ये था कि आइस वाटर में चेंज होती है, मैंने कहा हाँ। इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? मैंने कहा टेम्परेचर कौन सा है? उसने कहा टेम्परेचर इज मोर देन जो भी आपके पास है 273। मैंने कहा 273 पे डेल्टा एस अपने आप ही इसका टोटल कितना हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। टेम्परेचर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, एक मिनट समझ लो, इज दैट क्लियर? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर वाटर है वो आइस में चेंज होगा? मैंने कहा हाँ, लेकिन टेम्परेचर 273 से कम हो गया तो इसके लिए डेल्टा एस टोटल नेगेटिव हो जाएगा, और यहां ये क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस, यानी दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर फिक्स 273 है तो डेल्टा एस टोटल जीरो होगा, 50% आइस 50% वाटर, पॉजिटिव लिखना रह गया, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वहां टेम्परेचर क्या होता है? 273 से कम होता है, तो अपने आप आइस, सॉरी, वाटर किसमें कन्वर्ट होता रहेगा? धीरे धीरे आइस में होगा, और एक फिक्स टाइम में हो जाएगा, फिजिबल टाइम में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं, कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? ये एक तरह का अपने आप में प्रोसेस है, ठीक है? और हमारे पास अलग अलग प्रोसेस में होते हैं, तो डी क्यू बाई टी एक इंटीग्रेशन फॉर्मेट में जा रहा है, टी का रोल आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए टी का रोल भी होगा। तो आपके लिए ये बहुत कहना आसान है कि अगर आप कोई प्रोसेस के बारे में वैसे ही जानते हो कि ये स्पॉन्टेनियस है, तो आप बोल सकते हो कि इसके लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव है, आसानी से। मैं जानता था इसलिए मैंने बोल दिया, मैंने कैलकुलेट थोड़ी ना किया डेल्टा एस पॉजिटिव है, लेकिन मैं जानता था ये प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए हो गया। और जब आइस और वाटर की बात कर रहा हूं और इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम आएगा 273 केल्विन पर, तो डेल्टा एस टोटल यहां पर क्या होगा? जीरो, 100% जीरो होगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। हाँ पूछो, कुछ और पूछना? तो यहां पर बिल्कुल, तो आइस, इज दैट क्लियर? यस और नो? तो
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे कि ये कैसे कैलकुलेट करें, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आप प्रोसेस को देख के डेल्टा एस पर कमेंट कर रहे हो उल्टा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक ऑफ सेकेंड लॉ, कि हम बहुत सारे प्रोसेस के अंदर डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, खासतौर पे केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हीट अलग अलग तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है। आप ही बताओ बेटा, जब हमने, अरे बहुत सारी चीजें हो जाती है भाई मेरे, हम जब क्यू की वैल्यू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू रख रहे होते हैं, तो एक तो डब्ल्यू की जगह हमारे लिए दिक्कत, डेल्टा ई की जगह हम एनसीवी डेल्टा टी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो आइडियल गैस के लिए लगती है, नहीं तो डेल्टा टी होते डेल्टा ई की वैल्यू जीरो हो जाती है, पूरा ही गलत हो जाता। तो आइडियल गैस वाली क्वेश्चंस नहीं रखेंगे हम, तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमारे लिए हो जाएगा ड्रॉबैक ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो है इसके लिए भी ड्रॉबैक, तो चालू हो जाओ, हेडिंग डलेगा ड्रॉबैक ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टीडी। कैसे आएगा ड्रॉबैक, फर्स्ट इस प्रोसेस से हम जो क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस से हम जो कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, वो बहुत टफ है, करना तो पॉसिबल है लेकिन टफ है। तो इट इज डिफिकल्ट, लिखें इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, और हमें दोनों एंड डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों निकालना पड़ेगा। सो वी कैन नॉट इजीली इजीली कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी। एक ड्रॉबैक तो आपके सामने आ ही गया, दूसरा ड्रॉबैक, हम किसी भी प्रोसेस में डेल्टा एस चेंज की कैलकुलेट कर सकते हैं, सिस्टम की एंट्रोपी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी एक रेफरेंस पॉइंट है। बाय दिस लॉ वी कैन कैलकुलेट ओनली डेल्टा एस, यानी कि चेंज ऑफ एंट्रोपी, वी कैन नॉट कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। हम एंट्रोपी नहीं बता सकते, हम एस नहीं बता सकते, बहुत सारी हमारे साथ दिक्कत हो रही थी। थर्ड हम ये भी नहीं बता पा रहे थे, कमेंट ऑन क्या बोलते हैं हम, जो एक साथ हो रही है रिएक्शंस, उसको हम क्या बोलना चाहेंगे यहां पर, सिक्वेंस नहीं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो थर्ड पॉइंट ये भी डिफिकल्ट है, वी कैन नॉट कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, एक साइमल्टेनियस रिएक्शंस।
यानी अगर एक स्पॉन्टेनियस है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस है और दोनों को एक साथ करा दिया जाए तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस वाली भी स्पॉन्टेनियस बन जाती है, उस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही है बात? इसको हम बताने में मुश्किल है, यानी एक स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस एक साथ साइमल्टेनियस हो जाए तो हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी की जा सकती है अगर उसके साथ साइमल्टेनियस स्पॉन्टेनियस मिला दी जाए तो। ये बात भी ये नहीं बताता, ड्रॉबैक्स हैं बहुत सारे, तो ये ड्रॉबैक्स आपको लिखो जल्दी से।